एक समाज सेवी के रूप में जो उभर कर सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवा में काफ़ी बढ़ चढ़ कर आजकल हिस्सा ले रहे हैं कोविड नाइन्टीन के समय कैंप्स लगाए लेकिन आज यहाँ पर देखने के लिए आए हैं मुनीष सैनी जी, जी जो कि डायरेक्टर भी हैं ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज के और अध्यक्ष जी भी पधा रहे हैं प्रशांत पोषवाल जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं महामंत्री जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सर सबसे पहले स्वागत आप सभी का और सबसे पहले बातचीत करते हैं सर समाज सेवी के रूप में हम आपको देख रहे हैं एक तरफ आप उभर कर आ रहे हैं लेकिन एक तरफ ये स्थिति यहाँ पर है कैसे देखते हैं आप इसको कैसा लगता है आपको देख कर यह बहुत ही दुख की बात है कि एक हमारा शक्ति विहार मोहल्ला में तो आज अपने मान्य जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री पोसवाल जी उनके घर पर चाय पीने के लिए उनसे अनुरोध करके मैं आया था तो मेरे को ऐसा पता चला कि यहाँ पर जो एक हमारा शक्ति विहार कॉलोनी है जो हमारे कलियर विधानसभा क्षेत्र में आता है वो पूरा जलमग्न हुआ हुआ है तो यहाँ पर आकर ऐसी स्थिति देखने को लग रही है कि जैसे कि इस क्षेत्र में कितने समय से कोई कार्य ही नहीं हुआ है लोग बाग जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो हो वो बनाकर अपना बच्चों को जितनी परेशानी हो रही होगी और जबकि अगर यहाँ पर जितना हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार जितना सड़क निर्माण के लिए पैसा दे रहे हैं और जितना कार्य कर रहे हैं अगर उसको प्रॉपर रूप में लगाया जाता है प्रॉपर किया जाता और इधर का ध्यान दिया जाता तो ये स्थिति ना होती लगभग मैं पाँच गली में खुद घुमाऊँ तो पाँच में से चार गली मेरे को यहाँ पर कच्ची दिखाई दे रही है जो लोगों के लिए बिल्कुल मैं इस बात को कहूँगा कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं जो भी यहाँ पर में जनप्रतिनिधि है उन्हीं की साइड इनको ध्यान देना चाहिए और ये कार्य सारा करना चाहिए उनका हमें ये बताइए भाई समाज सेवी के रूप में हम देख रहे हैं लेकिन ये समस्या तो भाई सब दस साल दस सालों से है कम से कम और पिछले दो साल से ज्यादा बढ़ी है तो अभी क्यों आप लोगों का आना जाना शुरू हो गया है इस समस्या का निदान क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग भी नहीं बिल्कुल इस समस्या के निदान को करने के लिए हम लोग कटिबंध हैं और बिल्कुल हम लोग अपनी राज्य सरकार तक और भारत सरकार तक जो स्थिति आज मैंने यहाँ देखी है उस स्थिति को मैं और मान्य हमारे अध्यक्ष जी जो है मंडल अध्यक्ष जी हम सब लोग मिलकर इस स्थिति को ऊपर तक लेके जाएंगे और इस स्थिति को हम बिल्कुल बताएंगे और इसका निदान करने की कोशिश करेंगे व्यक्तिगत जैसे मैं अपने जीवन में बता देता हूँ जब मैं छात्र संघ में जैसे आप बार बार समाज सेवी की बात करें जब मैं छात्र हुआ करता था तो उस छात्र में भी जो एक बार छात्र संघ का हमारे यहाँ चुनाव हुआ जैसी स्थिति मैं खराब यहाँ देख रहा हूँ वैसे ही हमारे यहाँ एस डिग्री कॉलेज करता था उस समय में छात्र संघ में भी इस स्थिति में समाज सेवा के रूप में आया और लीडर के रूप में आया तो उस समय हम लोगों ने वहां पर आज का आप एस डिग्री कॉलेज देख सकते हैं और मुझे आने का सौभाग्य मिला जितने भी मेरे भाई हैं जिसमें मैं भी दो भाइयों से मिला हूं उन्होंने बोला कुछ यहाँ वर्धा पेंशन भी नहीं हो रही है उसके बावजूद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना चल रही है उसको भी प्रॉपर नहीं लागू किया जा रहा है क्योंकि जो यहां जनप्रतिनिधि थे आप साम सकते हैं कि पिछले दस साल से हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है यहाँ लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग इससे अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं क्योंकि हमारी राज्य में सरकार है इस है भी पर हम कटिबंध है बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और राज्यसभा सांसद भी तो ऊपर तक आपकी बातचीत है तो क्या इसको आप ऊपर तक लेकर जाएंगे बातचीत करेंगे कि भाई इस समस्या का निदान भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी लोग ही रहते हैं नहीं मैंने जैसे कि आपको बताया मैं बहुत पुराना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ ऊपर तक किसकी बात है हर कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ऊपर तक बात है सब लोग कार्यकर्ता है कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है लेकिन जा नहीं पा रही सर नहीं लेकिन मैं आज इसको देखने के लिए आया हूं आपसे मैं अनुरोध भी करूंगा और मैं भी अपने लड़के को बोल रहा हूं कि इसकी पूरी वीडियो हम लोग बना के लेके जाएंगे और मैं आने वाले इसी हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री से इस पूरी शिक्षा को दिखाकर बात करेंगे हम लोग प्रॉमिस है यहाँ के लोगों से बातचीत होगी बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं हम इसके लिए कटिबंध में तो कटिबंध शब्द यूज कर रहा हूँ इसके लिए कटिबंध है और कटिबंधता से इसकी हम जो ऊपर तक अपनी आवाज़ उठाएंगे और जितने हमारे भाइयों की सड़कें हैं जैसे इनकी वर्दा पेंशन है उसके बाद किसान पेंशन है उसके बाद इनका प्रधानमंत्री ग्रामीण जो हमारा आवास योजना है उन सारी जितनी भी योजनाएं उन लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए उन्हीं चीजों को देखने के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर अध्यक्ष जी से एक सवाल हम ले लेते हैं अध्यक्ष जी क्योंकि आप मंडल के अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र में आप पहले भी आए हैं और किटे बांटने के लिए जनप्रतिनिधि आए हैं लेकिन ये समस्या आपने नहीं देखी अभी तक समस्या देखिए शक्ति विहार में पिछले दस वर्षों से यहाँ पर ना तो प्रधान है ये मामला कोर्ट में चला गया था यहाँ का इसको हमारे हम लोगों ने प्रयास किया इसको नगर पंचायत बनवाने का नगर पंचायत की इसकी घोषणा हो चुकी है अब नगर पंचायत में यहाँ से जो अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती हो गई है और इसके प्रयास के साथ साथ क्योंकि कभी कोर्ट में कुछ लोग ऐसे थे जो इस मामले को उलझाने के लिए बार बार कोर्ट में ले जाते थे ना तो ये ग्राम पंचायत रही और ना ही ये नगर पंचायत रही अब हमारी सरकार ने इसे नगर पंचायत घोषित कर दिया गया और यहाँ पर ईओ की भी तैनाती हो गई है उसके साथ साथ रही विकास की बात हम लोग हमारा यहाँ पर विधायक नहीं था दस साल से जो यहाँ विधायक थे उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया है ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि जनता सौरप्रिय है जो प्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है उसका यह अधिकार बनता है कि वो सबको साथ लेकर चले लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे माननीय विधायक उन्होंने पक्षपात रूप में कार्य किया ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था माननीय सांसद के कोटे से यहाँ पर कम से कम आठ या नौ सड़कें बनाई गई हैं लाइटें भी सांसद कोटे से यहां लगाई गई हैं हम लोगों द्वारा यहाँ खाद्यान्न का वितरण भी किया गया और अगर छोटी समस्या किसी व्यक्ति ने हमें बताई है लाइटें शक्ति बिहार में शक्ति बिहार में सड़कें भी बनी हैं पड़ली तरफ जो उधर शुरू की पांच छः गलियां हैं उनकी सड़कें भी बनी है और उनमें लाइटें भी लगाई गई हैं प्रयास यहाँ का भी है जब हम खाद्यान्न किट वितरण में यहाँ से आए कुछ लोगों ने हमें माँडी की समस्या बताई भाई महाडी पर लाइट लगे छोटे मोटे काम हो उनके लिए हम लोग प्रयास हैं और प्रयास कर भी रहे हैं और आज उम्मीद यह है कि अब की बार शायद यह स्थिति अगली बरसात में यहाँ पर ना रहे यहाँ के क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि भाई जो भी नेता आते हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता वो अपना वोट मांग कर और ये सब देखकर चले जाते हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है इस तरफ फोकस क्यों नहीं है नेताओं का आपका भी खास कर क्योंकि आप भी सत्ताधारी पार्टी से हैं देखिए नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं नेता नहीं हूँ मैं संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं नेता नहीं हूँ क्योंकि मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ संगठन के कार्य के साथ में भी यहाँ लोग की समस्या देखते हुए कोविड में भी हम बराबर इन लोगों के संपर्क में रहे कोविड में जो सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति था कोई नहीं आया यहाँ से आया हम कोविड के समय में बराबर इन लोगों के संपर्क में यहाँ से रहे हैं और आते रहे हैं जिन लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता तो है उन्हें खाद्यान्न दिया गया जिन लोगों को फर्स्ट एड की आवश्यकता थी मेडिकल किट की आवश्यकता थी उनको वो उपलब्ध कराई गई है अगर किसी की कोई समस्या थी और कोई व्यक्ति हमारे पास आया हमने उस व्यक्ति की मदद किया और जो हम किसी की जो समस्या का हम अपने स्तर से निदान कर सकते हो हमने किया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए यहाँ पर क्या कर जा रहे हैं कि भाई समस्या का निदान होगा मुख्यमंत्री तक ये समस्याएं पहुंचाई जाएंगी और समस्या का निदान जल्दी होगा लेकिन ये देखना होगा कि भाई जल्दी निदान होता है नहीं होता है या फिर ऐसे ही आना जाना यहाँ पर लगा रहता है इस क्षेत्र की आप समस्या को देखिए हमने उठाया था अपने ही चैनल पर अपने ही पेज पर कि ये जो घर है वो यहाँ पर डूब गए हैं लगभग पानी में और इस समस्या का निदान होना बहुत जरूरी क्योंकि इसमें लोगों ने कहा था कि भाई काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं जानवर भी हैं इस पानी में और ये देखने का विषय होगा इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये ऊपर तक बात पहुंचे और YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कैमरे पर है हमारे साथी शिवम बने रहिए है द न्यूज़ ऑन ने नेटवर्क के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का